अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अमर सुमरो। फ्रेंड्स, आज हम ये सीखते हैं कि ज़ीरोक्स मशीन में फ़ोटोकॉपी कैसे की जाती है, स्पेशली CNIC या कोई भी कार्ड हो तो आप उसको डबल साइड कॉपी कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, वी हैव स्टार्टेड अवर मशीन। दिस इज 5735 मॉडल। ये हमारी ट्रे वन है जिसमें हमने A4 साइज पेपर लगाया हुआ है, एंड दिस इज ट्रे टू, वी हैव फिक्स्ड लीगल साइज पेपर ओवर देयर। फ्रेंड्स, जैसे ही ट्रे खुलती है तो ये ऑप्शन देता है कि फर्स्ट ट्रे में आपने कौन सा पेपर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, वी हैव सिलेक्टेड A4। ट्रे टू में हमने लीगल साइज लगाया। लीगल का साइज होता है 8.5 × 14 इंच। कन्फर्म करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कार्ड, अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम कॉपी करें क्योंकि ये डबल साइड है। फर्स्ट वी हैव टू पुट दिस कार्ड ओवर देयर। बंद कर लेना है इसको। आप जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द ट्रे, हमें A4 पे करना है। ट्रे वन में A4 पेपर साइज लगा हुआ है, हमने उस पेपर पे कॉपी करनी है। सेव। आप सेकंड ऑप्शन देख, वन साइड, अगर वन साइड कॉपी है, जस्ट आई नीड टू कॉपी वन साइड ऑफ दिस कार्ड, तो मैं जस्ट स्टार्ट का बटन दबाऊंगा। बट क्योंकि मुझे डबल साइड करना है तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, डबल साइड। नंबर ऑफ कॉपीज, फॉर एग्जांपल आई नीड टू कॉपीज, स्कैनिंग साइड वन। फ्रेंड्स, ये शो कर रहा है रेडी टू स्कैन सेकंड साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कार्ड ऐसे पड़ा हुआ था, जस्ट हम इसको फ्लिप ओवर करेंगे, पलटाएंगे, पलटा के हमने कहाँ रखना है। अब ये देख रहे हैं A4 साइज, हमने पहले कार्ड यहाँ पे रखा था, इस तरह से कार्ड रखा हुआ था, हमने इसको पलट के फ्लिप करके यहाँ रखा। प्रेस द स्टार्ट बटन, स्कैनिंग साइड टू। अब ये पेपर ट्रे वन से उठा है, A4 साइज से। ये देख सकते हैं आप, ये डबल साइड स्कैन होके प्रिंट हो चुका है। इस साइड फर्स्ट, साइड सेकंड। तो इस तरह से हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को हम डबल साइड स्कैनिंग कर सकते हैं।